इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ पर चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि चुनाव आयोग ने 12 मई को सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों को ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने की खुली चुनौती दी है। अगर गड़बड़ी साबित नहीं हुई तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को भी कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ओपन चैलेंज दिया है कि आप 12 मई को सर्वदलीय बैठक में ये प्रूफ करें कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग की जा सकती है, और अगर आप इसको प्रूव नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए, तो आपको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी होगी।